नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर की, जिसकी चमक ने आज पूरे मार्केट को गुलजार कर दिया। अगर हम देखें तो मेटल इंडेक्स में करीब 4.25% का उछाल देखने के लिए मिला, लेकिन इस उछाल के बाद अब क्या करें, सारे शेयर्स जो कि चल चुके हैं या चलने वाले हैं, इन सभी शेयरों पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं sharadmishra.com के प्रमोटर मिस्टर शरद मिश्रा। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू विवेक, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आवर प्लेजर सर। एक बार बता देते हैं कि आज किस तरह से मेटल शेयरों में एक चमक लौटी है। अगर हम देखें तो चीन का PMI डेटा आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड मेटल शेयरों में मॉर्निंग से ही खरीदारी देखने के लिए मिल रही थी। चीन का PMI क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि चीन का PMI देखें तो 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर आया। वहां पर बिजनेस कॉन्फिडेंस भी 11 महीनों के उच्चतम स्तर पर देखते हुए दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो चीन का मार्च PMI जो उसकी जो फिगर थी वो 51.1 थी। लगातार 5 महीने से चीन का PMI 50 के ऊपर आ रहा है। वहाँ के IIP सेक्टर में IIP आंकड़ों में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर मेटल कंपनीज पर पड़ रहा है, मेटल की कीमतों पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी मेटल का चाइना है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना है, तो वहां पर कुछ भी अगर कुछ होता है तो पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर तो मेटल प्राइसेस सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। अगर हम देखें तो उसकी वजह से मेटल जो बेस मेटल की कीमतें हैं आज उनमें रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी। साथ ही अगर देखें तो भारतीय मेटल इंडेक्स भी देख लेते हैं एक बार, आज करीब 4.25% चला। पिछले एक महीने में देखें तो करीब 4.5% चला है, साथ ही पिछले 6 महीने में देखें तो 25% और पिछले एक साल में करीब 56% चला है। शरद सर, पहले मैं मेटल सेक्टर पर आपका आउटलुक लेना चाहता हूं सर, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल मेटल इंडेक्स को और क्या कुछ लग रहा है जितना ये सारा चाइना का एक डेटा रिवर्सल हो रहा है। देखिए, जैसा कि आपने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का रोल एज विज अ वी लुकिंग एट द ग्रेट इंपोर्टर एज वेल एज द कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। सो अगर आप देखिए तो जिस तरह का निफ्टी मेटल का बेस बना हुआ है, मैं अगर देख पा रहा हूँ, जैसा मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि 15 जनवरी के बाद अगर देखें तो 15 जनवरी से लेकर के और अभी तक, इनफैक्ट लास्ट वीक तक आप देखें तो कंसोलिडेशन रहा मेटल इंडेक्स के अंदर, और उस कंसोलिडेशन में भी अगर आप देखें 7500 का बेस बना करके करीब 12% का रिटर्न आया है। मींस डिस्पाइट ऑफ द कंसोलिडेशन एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना है बट वीकली चार्ट पर, बट उसके बाद भी 12-13% का रिटर्न वहां बना है। आज हमें कन्विंसिंग ब्रेकआउट्स मिले हैं 4-5 स्टॉक्स में विवेक जी, और मुझे लगता है कि ये रैली आने वाले समय में अभी या करीब 2-2.5% अगर ये इंडेक्स और ऊपर सस्टेन करता है तो अनदर 11-12% का लेग ऊपर की तरफ इसके अंदर खुल जाता है निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर, और उसमें मेजर प्लेयर्स 4-5 जहां पर ब्रेकआउट्स आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसको उस पर दर्शक ध्यान देंगे, यहाँ ऊपर होल्ड करेंगे तो जरूर एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा बनेगा और सर को अभी भी उम्मीद है कि ओवरऑल मेटल इंडेक्स में करीब 12% तक की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इस रैली को फ्यूल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो मेटल बनाने के प्रोसेस में जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हुई है, तो यानी कि कंपनियों को डबल फायदा कि आप जो माल बेच रहे हैं वो तो महंगे दाम पर बिकेगा, साथ ही जो आप खरीद रहे हैं बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसके प्राइसेस अभी भी नीचे हैं। मंथली ईयरली बेसिस पर देखें तो कोकिंग कोल करीब 20% नीचे ऑन ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस पर करीब 15%, आयरन ओर ये भी करीब 19% ऑन मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पर 16.5%, पिग आयरन यहाँ पर भी गिरावट, साथ ही मेल्टिंग स्क्रैप ये भी सस्ता ही मिल रहा है। साथ ही अगर देखें तो आज चूंकि जब चीन के जब हमने देखा कि PMI डेटा आया तो उसके बाद आज बेस मेटल कीमतों में भी एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया। खासतौर से अगर कॉपर की कीमतें देखें तो करीब 1% उछली है, एल्यूमिनियम की करीब 0.25%, जिंक में करीब 0.5% की तेजी देखने के लिए मिली। वहीं अगर पिछले एक महीने में देखें तो बेस मेटल में करीब 4-6.5% का उछाल देखने के लिए मिला। शरद सर, अगर मैं देखूँ कि एक तरफ आपकी रॉ मटेरियल प्राइजेस सॉफ्ट है, साथ ही अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है जो एंड गुड्स है वो आपका प्राइस उसका बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो इस रैली को अगर हम देखें ऑलरेडी 56% चूंकि इंडेक्स चल चुका है पिछले एक साल में, आप बोल रहे हैं कि 12% और चलेगा, तो सर इसमें बेस मेटल में अगर मैं देखूं तो
कौन से चार्ट ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम या आपको जिंक? कौन सी चीजें ऐसी लग रही हैं जो कि आपको प्रभावित कर रही हैं इस समय? देखिए, अगर इसमें चार पांच स्टॉक्स आप देखें जहां पर कि जो आपने जिक्र किया, अगर अगर हम वहां पर बात करें तो देखिए, अगर आप जिंक को ही देखें तो अगर आप हिंदुस्तान जिंक को देखें तो एक यहां पर ये वन ऑफ द स्टॉक्स है जहां पर कोई मूव उस तरह का आया नहीं है। देखिए, आज मैं उन स्टॉक्स को डिस्कस ज्यादा करने की कोशिश करूंगा जहां पर कि लगर्ड, जो स्टॉक्स लगर्ड है, अगर आप देखें तो उसका बेस कहां पर है, बेस करीब था 291, मैं स्पॉट का बात कर रहा हूं, उसी जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है विवेक जी। उसका ऊपर का जोन करीब 320 330 का है। ये कंसोलिडेशन कब से चल रहा है, करीब 20 फरवरी से लगातार कंसोलिडेशन चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड यहां पर बेहतर है, अगर ये रैली यहां से कंटिन्यू होती है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में एक डिसेंट मूव यहां से आ सकता है। ये करीब आपको ऊपर का लेग, इस पूरा जोन जो बना हुआ है 306 से लेकर के 320 तक, कम से कम यहां पर एक आपको रैली डिसेंट मिल सकती है। ये रैली 340 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा लगर्ड है, लेकिन यहां पर भी एक ध्यान बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में ध्यान बनाया जा सकता है क्योंकि ये काउंटर अब एक बेस बनाकर चलने की तैयारी कर रहा है। सर, अगर मैं इसमें बोलूँ कि आज चूंकि बहुत सारे लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिला होगा, समझ भी नहीं आया होगा मॉर्निंग सेशन में कि पहले तो गैप अप खोले ज़्यादातर मेटल काउंटर्स, उसके बाद रैली और बढ़ती गई, तो होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर नीचे आएगा तो लूँगा इंट्राडे में, और लेकिन वो नीचे आया नहीं, उल्टा और तेज हो गया। अगर कुछ खरीदारी का जोन रखना है तो क्या रखना चाहिए, और अगर एक मिड टर्म इन्वेस्टर है उसको टारगेट क्या रखने चाहिए? देखिए, ऐसा यहाँ पर चार से पांच स्टॉक ऐसे विवेक जी जहां एक अच्छा ब्रेकआउट जैसा देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहला स्टॉक में शेयर करना चाहूंगा वेदांता। अगर आप वेदांता को देखें और इसके लंबे प्राइस चार्ट्स को देखें तो जो इसका जोन था 285 to 290 के आसपास का, उसमें काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो मार्च के बाद से ये जोन इसका एक सप्लाई जोन रहा है, इसको आज इसने तोड़ा है और ये बहुत अच्छा साइन है। ये मुझे लगता है बहुत क्लियर कट 300 रुपए तक तो स्टॉक बिल्कुल, मैं फ्यूचर्स का लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, 300 रुपए तक तो बहुत आराम से जा सकता है। अगर इस प्राइस को सस्टेन करता है तो इसके ऊपर अगर ये मेटल इंडेक्स की रैली यहाँ से कंटिन्यू करती है तो 320 से 330 तक के भाव आ सकते हैं। यहां पर बिल्कुल एक बार ध्यान बनाना चाहिए। दूसरा मैं ध्यान रखना चाहूंगा हिंडालको के ऊपर। अगर इस चार्ट को भी देखें तो देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन रहा, 240, 250 से लेकर के इसने 280 के ऊपर जाकर के ब्रेकआउट दिया पिछले लास्ट 2 वीक में, और 311 का भाव इसका फ्यूचर्स का भी है। विवेक जी, बहुत अच्छा चार्ट है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आराम से कम 350 तक के भाव आपको फ्यूचर्स में देगा। तो ये दो ऐसे हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता है जहाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर हिंडालको पर भी सर आप बात कर रहे थे, हिंडालको के बारे में बताएं क्योंकि वो करीब 560-70 की रेंज पे चल रहा है, नॉन फेरस मेटल का काउंटर है, इसको कैसे रीड करना है सर? जी देखिए, अगर आप हिंडालको को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्राइस एक्शन बना है, लेकिन अगर आप देखें तो ये वीक अभी भी काफी इसके लिए डाइसी है। मैं क्या देखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि अभी इसका भाव स्पॉट में करीब 568 है, ये 575 के ऊपर सस्टेन करे विवेक जी। जब जैसे ये 575 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये 600 रुपए के भाव इसमें खुल जाएंगे। यहाँ पर एक मैं वो देना चाहूंगा डिस्क्लेमर और अंडरस्टैंडिंग कि देखिए, अगर मेटल इंडेक्स को देखें तो वहां पर बहुत अच्छी इनहेरेंट स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो जिन स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप है भी वहां पर भी आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक उन्हीं में से एक था और हिंडालको भी उसी में से एक है। मुझे लगता है इसका बेस है 550 के आसपास, 575 के ऊपर बड़ी रैली आएगी, 600 तक इसको लेकर के जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बेस बना हुआ है 575 का, अगर उसको पार करता है तो 600 तक जा सकता है। चलिए, अब कुछ एक उन मेटल कंपनीज की बात करते हैं जो नए शिखर पर भी आ चुकी हैं और दिग्गज भी हैं। मैं शुरुआत करता हूँ टाटा स्टील से भी। टाटा स्टील आज नए शिखर पर लौटता हुआ दिखाई दिया, आज शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया, और अगर देखें तो इसमें मैं एक ब्लूमबर्ग डेटा देख रहा था जिसमें 32 में से 19 एनालिस्ट की इसमें खरीद की राय है, 6 एनालिस्ट की होल्ड की राय है, और केवल 7 एनालिस्ट हैं जिनकी सेल की राय है। तो मतलब कि अगर कंसेंसस देखें तो करीब 26 एनालिस्ट ऐसे हैं या तो वो होल्ड दे रहे हैं या बाय दे रहे हैं। शरद सर, आप क्या इस पर अपने विचार देंगे? देखिए विवेक जी, इसको अगर आप देखें तो 9 अगस्त 2021 के बाद जो उसका जोन था प्राइस का, जो उसका हाई था वो 153-155 का जोन था, उसको इसने इस वीक में अच्छे से ब्रेक किया और अच्छे वॉल्यूम्स हैं।
ये इसने जो जो अपना ट्रेंड शुरू किया था करीब 130 रुपए के भाव से 26 दिसंबर के आसपास, वो आज कंप्लीट किया है 164 के आसपास, इसका वो ट्रेंड कंप्लीट होता है। अब आगे भाव क्या खुलते हैं, देखिए अगर कोई रहना चाहता है 159 पे स्टॉप लॉस लगाया, जो ब्रेकआउट लेवल है, वह 180 180 तक के प्राइसेस आपको बहुत आराम से टाटा स्टील में देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर बने रहने की सलाह है, टाटा स्टील में बिल्कुल बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। बिल्कुल, तो टाटा स्टील में बने रहें और होल्ड करने की ही सलाह सर की तरफ से दी जा रही है। दूसरा मेटल का दिग्गज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज इसका डेटा भी आया था इनफैक्ट दोपहर को, और इस काउंटर ने फिर उसके बाद और बढ़त पकड़ ली। FY24 का सेल्स डेटा इस कंपनी का आया जिसमें सेल्स वॉल्यूम 5% बढ़ा है, जिसके बाद शेयर अच्छी रफ्तार में आ गया है। ऑलरेडी ये काउंटर चला भी था जब PSU की रैली थी, लेकिन अब ये मेटल की रैली से चल रहा है। सर, इस काउंटर पर आपकी राय? यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे जी, तो मई 21 के लगभग इसका हाई 150 रुपए का बना था, तो 4 1 साल हो गया है, तो 3 1 साल कंप्लीट हो गया, 150 का उसका वीवी रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी इसका भाव 141 के आसपास है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो विवेक जी, ये जो 112 112 के सपोर्ट से जो रैली शुरू हुई थी वो 150 पे जाके ही टर्मिनेट करती है। तो पहले तो 150 का भाव इसके अंदर आएगा, वहां तक बने रहे, 150 के पास देखें स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। अगर उस जोन को ब्रेक करता है तो इसका अगला टारगेट 171 171 रुपए होगा। अभी मुझे लगता है 138 के पास स्टॉप लॉस रखें और बिल्कुल बने रहें, 150 पे जाकर के थोड़ा देखें, अगर कोई मार्केट में नॉइज नहीं होती है और स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है तो 170 के भाव के लिए खड़े रहें। सर, आपने तो बहुत ज़बरदस्त कॉल दिया है ये। अगर रिस्क रिवॉर्ड देख रहा हूँ मैं, 138 का स्टॉप लॉस, 140 अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है इस हिसाब से, केवल 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर कल निवेशक या ट्रेडर्स को एक मौका मिलता है तो सेल बड़ा अच्छा बेट बनेगा, और 150 का टारगेट, F&O का शेयर है सर, और अगर 170 तक चला गया तो बहुत ही पैसा बन जाएगा। सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका 8,000 के करीब का लॉट साइज है। जी विवेक जी, 8,000 का लॉट साइज है, और एक बात समझने वाली है, देखिए क्या है, अभी इसने अपना अपना हाई ब्रेकआउट नहीं दिया, 150 के भाव को तोड़ा नहीं है, तो चूंकि मेटल इंडेक्स में जबरदस्त तेजी है और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 22,500 पे बहुत अच्छे पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, वो अपनी पोजीशन दे नहीं रहे, कॉल राइटर्स उतना कन्विंसिंग नहीं है निफ्टी के अंदर भी, तो इसलिए अगर आप देखें तो यहां पर अगर उन दोनों को कोरिलेट करें, निफ्टी और निफ्टी मेटल को कोरिलेट करें, तब हमको ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जहां भी रैली थोड़ी बची हुई है, जहां पर ब्रेकआउट्स नहीं है, तो सेल उसी में से एक है। मुझे लगता है बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है 150 का भी ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा नॉइज रहेगी बाजार में उसको बियर कीजिए, और उसके ब्रेकआउट पर 170 के भाव के लिए भी आप बने रहें। ये एक्सपायरी जो अप्रैल एक्सपायरी होती है विवेक जी, वो हिस्टोरिकली भी देखें तो अच्छी चलती है निफ्टी के लिए, तो निफ्टी मेटल भी ऑब्वियसली एक रब ऑफ इफेक्ट रहेगा, तो वहां पर अच्छे मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, F&O डेटा के लिहाज से, और अगर हम देखें स्टॉप लॉस जैसा सर ने बताया, कुल 138 का पहला टारगेट, 150 दूसरा टारगेट, 170, तो इस तरह से आप इस सेल के काउंटर पर ट्रेड कर सकते हैं। बड़ा लॉट साइज है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। नेक्स्ट काउंटर लिस्ट में है सर JSW स्टील। ये काउंटर ऑल टाइम हाई सर, इसने दिसंबर 2023 में बनाया था 895 रुपये 70 पैसे का, उसके बाद से नया ऑल टाइम हाई नहीं बना पा रहा है। 880, पहले तो 850 की रेंज को पार नहीं कर पा रहा था, 845-50 की रेंज को आज तोड़ा भी तो नया हाई नहीं बना, हालांकि स्ट्रेंथ हाई है काउंटर में, नो डाउट 5% चला है काउंटर ऑलमोस्ट। अब क्या करें सर? देखिए अगर रिलेटिवली देखें, अगर हम दूसरे मेटल स्टॉक्स के रिलेटिव स्टडी करें और उस रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें विजावी विवेक जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है स्टॉक, ये उतना चला नहीं, अब चला है लेकिन बेस इसका कहाँ है, देखिए बेस इसका है 784 785 के जोन में, अगर यही अगर 17 जुलाई के बाद से देखें तो इसने वही जोन 785 के जोन से लेकर के 835 840 835 840 के जोन को पे ट्रेड किया और अब उसका एक ब्रेकआउट दिया, इसका जो हाई बनता है वो भी करीब 888 890 के जोन में फ्यूचर्स पे लेवल पे बनता है। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर कोई बना हुआ है नया ट्रेड बिल्कुल ना लें, बने हुए हैं तो बने रहे, स्टॉप लॉस कहां रखें, देखिए थोड़ा स्टॉप लॉस डीप आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव आया हुआ है, तो अगर आप स्टॉप लॉस के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी का भाव अगर 878 है फ्यूचर्स का, तो आप इसका
840 850 के पास स्टॉप लॉस रखे, या थोड़ा अगर अगर खरीदना चाहते हैं, कल गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा अगर नीचे करेक्शन आता है तो खरीदे, 840 के पास स्टॉप लॉस रखे। लेकिन जब तक 900 रुपए को कन्विंसिंगली नहीं तोड़ेगा, बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अभी भी स्टॉक चल जरूर रहा है लेकिन बड़े कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर रहा है और रिलेटिवली दूसरे स्टॉक्स पे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो जब वहां से आपके लिए थोड़ा पैसा बचे तब आप स्टेट को कंसीडर करें। बिल्कुल, चलिए इनके दूसरे भाई की बात कर लेते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील। लगभग भाव भी एक हैं और रियल में दो ब्रदर्स हैं, सज्जन जिंदल और नवीन जिंदल जी। और नवीन जिंदल जी की अभी खबर भी आई थी कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद से काउंटर में ऑलरेडी अपनी अपनी मेटल की वजह से भी बढ़त देखने के लिए मिली है, लेकिन काउंटर में स्ट्रेंथ लगातार बन रही है। सर, इसको पॉलिटिकली देखना चाहिए या मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि काउंटर आज ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है अपने। देखिए विवेक जी, प्राइस एक्शन डिस्काउंट्स एवरी न्यूज व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द कंपनी, और ये हम लोग देखिए कई बार इसको डिस्कस कर चुके। ये रैली शुरू हुई थी 612 के पास विवेक जी, उस भाव के पास जो समवेयर नवंबर 23 के लगभग, वहां से एक वन साइडेड रैली के अंदर बनी हुई है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं और एक बहुत अच्छा सपोर्ट, अगर इसका रिग्रेशन चैनल आप ड्रॉ करें आप देखेंगे ऑलमोस्ट 45% पे रिग्रेशन चैनल बनता है, बहुत अच्छा चार्ट है, कंप्लीटली डिफरेंट देन जेएसडब्ल्यू स्टील, जबकि वो कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, ये स्टॉक कंसोलिडेट नहीं कर रहा, लगातार हायर लोज बना रहा है और एक अप ट्रेंड में है। जो इसका प्रीवियस वीक का हाई था, जो मैं देख पा रहा हूँ 26/5 के वीक का हाई था 864, उसको भी आज इसने ब्रेक किया है। देखिए साहब, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, इस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल अगर आप पोजीशन है तो बने रहें, अगर कल गैप अप होता है तो फिर आप तब अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहेगा क्योंकि एक हाई इसने ब्रेक किया है, लेकिन अगर है तो ये ट्रेंड आपको बताऊं, ये ऑलरेडी अपने ट्रेंड को तोड़ चुका है। जो विवेक जी ट्रेंड शुरू हुआ था 760 के पास, वो 864 पे कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर भी चला गया स्टॉक, तो देखिए ये जा रहा है 928 की तरफ पोजिशनली। अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स में रैली कंटिन्यू रहती है तो 930 के भाव आपको जिंदल स्टील में जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो मेटल की रैली में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो वो जिंदल स्टील से भी आएगा और 930 तक ये काउंटर ऑलमोस्ट जा सकता है। ऑलरेडी आज ऑल टाइम हाईस पर बंद हुआ है तो यहाँ से अभी भी स्ट्रेंथ बन सकती है। नेक्स्ट काउंटर हम लेते हैं सर मिधानी का। आज ये काउंटर वन ऑफ द टॉप गेनर था मेटल इंडेक्स में, 6% की तेजी इस काउंटर पर देखने के लिए मिली। इसमें एक डेटा पॉइंट्स भी आया, FY24 में इसमें जो सेल रही है वो हाईएस्ट एवर सेल रही है। अगर इसकी इन्होंने बिक्री का डेटा भी दे दिया अपना, 872 करोड़ से बढ़कर इनकी बिक्री 1065 करोड़ रुपए रही है ऑन ए YOY बेसिस, और इनके एक्सपोर्ट में भी ऑलमोस्ट 80% का जंप देखने के लिए मिला है। सर, मिधानी का चार्ट क्या कहता है? देखिए विवेक जी, यही कहता जो आपने इसके फंडामेंटल्स डिस्कस किए, इसके सेल्स के नंबर अच्छे हैं। जब कभी देखिए बाजार इज ऑल, जब कभी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी स्टॉक में होते हैं और देयर सम न्यूज जो उनको सरप्राइज करती है तो शॉर्ट कवरिंग आती है, बिल्डअप उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप बढ़ता है, और ये देखने को मिला था समवेयर अराउंड, अगर मैं आपको बात करूँ 28 मार्च के एक दो दिन पहले से इसके अंदर इस तरह का बिल्डअप शुरू हो गया था, बड़े मूविंग एवरेजेस को इसने तोड़ा है ऊपर की तरफ, 418 के पास आया। देखिए ये जो ट्रेंड इसके अंदर बना विवेक जी, इसको 456 तो इसका भाव बिल्कुल आपको मिलेगा, बने रहे अगर कोई है, अगर कोई एंट्री करना चाहता है, अगर कोई बड़ा गैप अप नहीं होता है और पोजिशनली आप बने रहना चाहते हैं तो 400 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए, 418 का भाव है, थोड़ा भी ऊपर खुलता है कंसोलिडेट होता है खरीदिए, 456 तक का भाव आपको बिल्कुल मिलेगा। बाजार जैसे ही इनके रिजल्ट्स को डिस्काउंट करेगा उसके बाद इसके अंदर और भी वॉल्यूम आएगा, 456 का भाव मिलेगा, वहां पर जाकर के आप सोचिए आपको प्रॉफिट बुक करना है या उस लेवल पे किस तरह का नॉइज रहता है, आपको बने रहना है या नहीं रहना है। बिल्कुल, मैं इसका चार्ट देख रहा था सर, इसने फरवरी में अभी लास्ट टू लास्ट मंथ 538 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 547.50 का भी इनफैक्ट, तो इसकी ऑल टाइम हाई इसके वही थे 547.50 का, तो वहाँ से तो अभी भी ये काउंटर काफ़ी नीचे है। क्या लगता है कि सर ये उन लेवल्स को दोबारा अटेन कर पाएगा 446? बिल्कुल विवेक जी, देखिए अगर आप देखिए February 24 मतलब कहीं ना कहीं जो Q3 के रिजल्ट्स हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कहीं इसमें करेक्शन आया होगा, और अब जब रिजल्ट्स आए हैं इसके तो मुझे लगता है Q4 के रिजल्ट्स अगर आए हैं उसके अंदर आप शॉर्ट्स थे
तो शॉर्ट्स ने कंसोलिडेट ही किया है विवेक जी। देखिए, अगर आप 355 का भाव देखें तो पहले भी ये 355 के भाव भाव को नवंबर 23 और उससे पहले भी कई बार अगस्त 23 के आसपास उनको कंसोलिडेट कर चुका है। और अब चूंकि इसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और अगर अगर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ये डिस्कशन, जब कभी मैनेजमेंट कॉन कॉल होगी उस तरह के डिस्कशंस आते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी नंबर्स अच्छे होंगे, विवेक जी कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर 560 के भाव इसमें दोबारा देखने को मिल जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो डिस्कशन होगा और जो रिजल्ट्स होंगे उसके बाद ही एक नए टारगेट्स के लिए हम बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सर ने जो टारगेट्स दिए हैं 446 के आसपास के, उसी को आपको अपनी मेन टारगेट बनाकर रखना है। वेदांता पर हमारी बात हो ही चुकी है, सर ने बाय कॉल इस पर अपनी इनिशिएट कर ही दी है। सर, मैं एक बार वेदांता को थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहता हूँ कि वेदांता में जो आपने बताया कि बाय कॉल है, 300 तक के भी आपने टारगेट्स बताए, वो एफ एंड ओ के लिए हैं, लेकिन अगर किसी के पास डिलीवरी शेयर हैं और वो लॉन्ग टर्म में रखना चाहता है तो क्या करे वो? देखिए, अगर किसी के पास डिलीवरी में भी शेयर है, विवेक जी एक बात समझे कि ये टोटल मतलब मार्च का पूरा मार्च, इसके बाद पूरा जून, पूरा कंप्लीट जुलाई तक ये 23 में ये जोन इसी 284 के जोन में, 2884 के जोन में कंसोलिडेट करता रहा था, उसका गिर गया था, इसने अपना लो बनाया विवेक जी। देखिए 210, वहां पर जो शॉर्ट्स है उसको 210 तक खींचा, वहां पर कहीं ना कहीं इसकी बाइंग शुरू हुई, और अब दोबारा इसने ये 285 2885 का जोन तोड़ा है। तो देखिए, जब कभी अच्छे वॉल्यूम के साथ इस तरह का ब्रेकआउट आता है विवेक जी, तो वो बड़ा प्राइस पैटर्न, अब एक एक बड़ा ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो पहला टारगेट 300 मान के चलिए अगर आप पोजिशनली बने हुए हैं, दूसरा टारगेट 320, 320 बिल्कुल, देखिए जैसे 306 के ऊपर कंसोलिडेट करेगा, अगर ज्यादा नॉइज नहीं होती है, बने रहिए साहब, आपको 320 तक के भाव भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो रिग्रेशन चैनल बना हुआ है एकदम स्ट्रेट 45 डिग्री का है, अगर मैं देख रहा हूं नवंबर के बाद से, और बहुत कन्विंसिंग ब्रेकआउट है इसमें भी विवेक जी, ये बिल्कुल 300 320 के टारगेट के मुझे लगता है बिल्कुल पोजिशनली बने रहना चाहिए। सर, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका जो चार्ट देख रहा था, अप्रैल 2022 में इसने करीब 440 और बिल्कुल अप्रैल 2022 में 440 के लेवल्स बनाए थे, वहाँ से सीधा गिरा डेट कंसर्न को चलते हुए, और उसके बाद पूरा 2023 और 2022 का जो करीब 9 महीने रहे पूरा परेशान किया है। अब 2024 में ये थोड़ा चलना शुरू हुआ है, जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको होप रखनी चाहिए या जो टारगेट्स आप दे रहे हैं 320 के, वहाँ पर निकल जाना चाहिए? देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं तो एवरेज कर लीजिए थोड़ा सा, अगर आपने आपको एवरेज करने का अच्छा मौका मिला था। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसने बेस बनाया है 250 के पास, अच्छा बेस बनाया है विवेक जी, और इसके बाद ये चला है स्टॉप 285 287 का भी इसका लेवल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप एवरेज कर पाते, अभी भी थोड़ा एवरेज कर पाए, स्टॉप लॉस रखें 270 का और एवरेज करें। देखिए, एवरेज से अगर आपका 300 रुपए तक, तो बहुत बिल्कुल इसके अंदर आएगा विवेक जी, क्योंकि मेटल इंडेक्स में रैली रहेगी, अगर रहेगी तो फिर मनी फ्लोज अक्रॉस द स्टॉक्स, सो वहां पर क्या 300 रुपए तक का भाव आएगा। अगर आप 300 रुपए के भाव के अगर आप छोटे मोटे लॉस में निकल सकते हैं तो बिल्कुल निकल जाएं। आपको बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जहां पर हम लोग शेयर करते हैं, जहां पर अच्छी रैली आ रही है। आप देखिए, कैनफिन होम में बड़े ब्रेकआउट आया है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक बहुत अच्छा मूव आया है, GMR इंफ्रा में एक बड़ा मूव आया है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको मुझे लगता है कि आने समय में और भी पैसा बन सकता है। तो अगर आपको 300 रुपए के भाव पर मिल जाता है निकलने को तो कृपया निकल जाए, और अदरवाइज 320 के भाव के लिए, अगर अभी जब 300 का भाव आएगा तो वहां पर पता चलेगा किस तरह का प्राइस पैटर्न फ्रेम बन रहा है, इसके बाद ही 320 के टारगेट के लिए बने रहे। जी बिल्कुल, तो 320 पर एक बार रिव्यू करेंगे, वैसे 320 पर निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कोई स्टॉक देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट में था हिंडाल्को, हालांकि सर ने पहले ही बात कर ली। सर, हिंडाल्को पर एक बार दोबारा व्यू ले लेता हूँ मैं थोड़ा लॉन्ग करके, हिंडाल्को में किस तरह से देखना चाहिए? आपने 600 रुपये के टारगेट दिए थे, आई रिमेम्बर शो की शुरुआत में ही, लेकिन अगर किसी के पास लंबी अवधि के लिए, क्योंकि बिरला ग्रुप की कंपनी है, मेटल को लेकर इसका जो कैपेक्स है वो भी अभी इन्होंने बढ़ाना पड़ा था, जिसकी वजह से ये काउंटर टूटा था, जो अमेरिका में इनकी सब्सिडरी है नोविलेज, उसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो ओवररन हो रही थी, जिसकी वजह से काउंटर पिटा था। लेकिन अब चूंकि मेटल में एक अच्छी तेजी है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सभी नॉन फेरस मेटल चल रहे हैं, तो इसको रीरेट रखना चाहिए? देखिए, अगर आप देखेंगे जी, मार्च 22 में इसका कुछ हाई बना था 640 635 के आसपास, 630 635 के आसपास,
तो उसके बाद से इसके अंदर एक गिरावट रही और फिर इसने एक हायर लो बना करके टी चार्ट्स पर एक कंसोलिडेशन दिखाया, ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, 320 रुपए के भाव से कंसिस्टेंटली चल रहा है। देखिए अब जो पैटर्न बना है, अगर आप बड़े मूविंग एवरेजेस को देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है। जोन क्या है, सपोर्ट का जोन क्या बना है, देखिए इसने कंसोलिडेट किया 500 रुपए के जोन पर। तो अगर आप पोजिशन इन्वेस्टर है तो आप मान लें आपको कहीं ना कहीं 500 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनता है। उस जोन पर कई वीक तक इसने सपोर्ट बनाया, इसके बाद इसने ऊपर चलने की कोशिश की, अभी भी कुछ बहुत 568 का भाव है, 10-12% इसके अंदर रैली ऑलरेडी आ चुकी है। सो देखिए आप जब तक ये 610-615 के ऊपर विवेक जी सस्टेन नहीं करेगा, और जहां से गिरा था ये 22 मार्च के लगभग जहां 635 वहां तक की रैली बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन लेकिन जो स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाईज को ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं इस रैली में, निफ्टी ये मेटल इंडेक्स की रैली में वहां तक पहुंचेंगे, वहां पर आप अगर इन्वेस्टर हैं, आपके पास पोजीशन है, तो आपको ध्यान लगाना है कि क्या आपका एवरेज प्राइस बन रहा है, क्या आप प्रॉफिट में है या ब्रेक इवन पर है और आप उसको निकलना चाहते हैं। हाँ इस रैली में ये जो आज डिस्कशन हो रहा है विवेक जी के साथ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं भाई, इस विवेक जी के डिस्कशन का फायदा उठाए, अगर एवरेज आउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं एक छोटे स्टॉप लॉस से तो उसको जरूर एवरेज आउट करें। 545 रुपए 545 का स्टॉप लॉस रखें, इस भाव पर एवरेज करें और कहां निकले 611-615 के भाव में आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल वहां पर निकलने की कोशिश करें, देखें अगर आपके प्राइसेस वहां पर एवरेज आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो हिंडाल्को पर भी विस्तार से बात हो गई। अब बात करते हैं नाल्को, एल्यूमिनियम की दिग्गज कंपनी। ये काउंटर बड़ा वॉलेटाइल रहा, 161 आ गया है आज, दोबारा बहुत अच्छा इसमें मूव देखने के लिए मिला, करीब 6% का। सर अब इस काउंटर पर आपकी राय। बेहतरीन विवेक जी, बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए अगर आप इसने प्रॉपर 90 रुपए के लगभग से जो रैली शुरू की है नवंबर 23 में, अभी 163 का भाव है, बेस कहाँ है इसका? देखिए मैं इन्वेस्टर्स के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, बेस इसका बनता है वही 130 रुपए के भाव के आसपास इसका बेस है, बुलिश बेस है। एक करेक्ट ऑर्डर में मूविंग ऑर्डर में पहले ही आ गया था 100 रुपए के ऊपर, बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। क्या जोन है, 170 रुपए के आसपास इसका टारगेट आता है कहीं ना कहीं, 100 अगर आप बने हुए हैं तो 170 रुपए के ऊपर निकलने दें, देखें किस तरह का प्राइस एक्शन वहां पर रहता है। अगर वो अच्छा, अगर वो ठीक ठाक रहा तो 10 रुपए की रैली आपको सीधे 180 रुपए तक के भाव आपको सीधे मिलेंगे। तो जो 130 के आसपास ट्रेंड शुरू हुआ था वो 180 पे खत्म होता है, तो आप ये समझ लें अगर आप बने हुए हैं तो 180 रुपए के भाव तक आप बने रहें। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुछ करेक्शन होने पर ही एंट्री करें, इमीडिएट एंट्री इसमें बनती नहीं है। जी बिल्कुल, तो इमीडिएट एंट्री बनती नहीं है, 180 रुपए तक के टारगेट्स जिन लोगों के पास हैं वो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर है सर MOIL, इस पर आपकी राय। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, ये अपने मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था विवेक, जिसने बेस बना लिया था 260-270 के आसपास, अभी 312 का भाव है। अगर आप देखें तो करीब 5 से 7 वीक इसने इसी जोन में 360 से लेकर के 260 से लेकर के 280 के जोन में कंसोलिडेशन किया है, तो कहीं ना कहीं बाइंग आई है, वॉल्यूम भी उसी जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा प्राइस मूव आया, बड़े प्राइस एक्शन की तैयारी इसके अंदर हो गई विवेक जी, ये पिछले 7-8 वीक के अंदर मुझे लगता है बहुत आराम से इसका पहला टारगेट 340, दूसरा 360, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। अगर कोई अभी भी लेना चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा अभी ले, अगर थोड़ा करेक्शन आए तो उसको ले, स्टॉप लॉस उसी जोन में रखे 260 के आसपास, और मुझे लगता है आराम से उसको 340 से 360 तक के भाव पोजिशनली देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में ये भी सबसे टॉप पर ही था। और अब एक सेकंड काउंटर जो कि लास्ट है वैसे जिस काउंटर को हम डिस्कस करने वाले, लेकिन ये गेनर्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर था, वेलस्पन कॉर्प। सर ये पाइप में भी है, मेटल में भी है कंपनी, इस काउंटर पर आज 7% का मूव, 36 रुपये ये काउंटर चला है, 552 रुपये आ गया। अब आपकी राय। देखिए विवेक जी अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या था वो जोन? वो जोन था करीब 500 रुपये से लेकर के और 540 का जोन, उसको इसने तोड़ा है, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अगर इसके ऊपर इसी तरह से चलता है, इस वीक में अच्छा क्लोज देता है विवेक जी, तो 600 रुपए से 640 तक के भाव इसके अंदर बिल्कुल दिखाई देते हैं, स्टॉक का बेस बन गया है। बेस कहां पर है? इन्वेस्टर्स लेवल को ध्यान रखें, 510 रुपए के आसपास इसका बेस है, वीकली चार्ट पे बेस है, तो कुछ भी गिरावट आती है तो ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है यहां पर बहुत अच्छा मूव, 600 रुपए से लेकर 640 तक का मूव आपको बिल्कुल इसके अंदर देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो ज़्यादातर मेटल काउंटर्स पर हमने चर्चा कर ली है। एक बार जल्दी से क्विक व्यू ले लेते हैं, क्विक टेक ले लेते हैं। सर ने जो अपने टारगेट्स बताए हैं और या जो अपने जो व्यूज़ बताए हैं, टाटा स्टील पर होल्ड की राय, सेल सर की होल्ड की राय है, साथ ही JSW स्टील होल्ड करना है, जिंदल स्टील भी होल्ड करना है, मेधानी होल्ड करने की राय, वेदांता इसको बाय भी कर सकते हैं 320 के टारगेट के लिए, या अगर अगर किसी के पास है तो इसको भी होल्ड कर सकते हैं। हिंडालको में होल्ड कर कर चलना है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि 615-620 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। नालको 180 के टारगेट के लिए होल्ड करना है, साथ ही हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी सर की राय है कि होल्ड ही कर कर चले। MOIL भी अभी रखना है अपने पोर्टफोलियो में, साथ ही हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर सर को अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और वेलस्पन कॉर्प यहाँ पर भी सर की बाय और होल्ड की ही सलाह है। तो कुल मिलाकर ये सभी मेटल काउंटर हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए जो भी आपके पोर्टफोलियो में होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये शो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में एक सुविधा देगा और आसानी देगा। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, और आई होप सभी दर्शकों को इसको इंटरेक्शन से फायदा हुआ होगा। बिल्कुल सर, चलते चलते बस एक चीज और डिस्क्लेमर अगर किसी काउंटर पर आप देना चाहें तो। हाँ विवेक जी, इसमें से कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जहां हमने अपने क्लाइंट्स को राय दी हुई है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और कैश में। बिल्कुल, तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।